इस सवाल में आपको दिया गया है कि एक पार्टिकल है ए जो कि मूव कर रहा है वेलोसिटी बी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड से। इसकी वेलोसिटी के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक पार्टिकल बी रखा हुआ है और इसकी वेलोसिटी हमें नहीं पता, पर हमें यह पता है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। जैसे ए की वेलोसिटी कांस्टेंट है वैसे बी की वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। आपसे कहा गया है कि इसकी वेलोसिटी ऐसी है कि ए को बी से ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो एट एनी इंस्टेंट ए की वेलोसिटी के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो देखते हैं थोड़ी देर के बाद क्या होगा। थोड़ी देर के बाद ए जो है वो यहां कहीं पहुंच जाएगा, इसकी वेलोसिटी अभी भी इसी डायरेक्शन में रहेगी 10 मीटर्स पर सेकंड, और बी अब ए नया पहुंच गया यहां पर, बी जो है वो कैसे रहेगा, इसकी वेलोसिटी से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस लाइन पे कहीं पर रहेगा। कहां रहेगा इस लाइन पे हमें नहीं मालूम। आपसे कहा गया है कि बी की मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, तो बी की मिनिमम वेलोसिटी के लिए बी को यहां से इस लाइन तक पहुंचना है, बी को यहां से इस लाइन तक पहुंचना है। अगर अगर वेलोसिटी मिनिमम चाहिए तो बी को मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल कराइए, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट करवाइए उसका, मतलब परपेंडिकुलरली लेके आ जाइए। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट बी का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। अगर ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी है, और ये कितना एंगल है 90 डिग्री। अब इस ट्राइंगल में देखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एस ए साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू एस बी, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हाइपोटेनियस का अपोजिट साइड कैसे निकलेगा, हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। किसी भी एंगल का अपोजिट साइड कैसे निकलेगा, हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनियस। दिस इंप्लाइज एस बी इज इक्वल टू एस ए कितना हो जाएगा, वी ए इंटू टी, ये हो गया वी ए, वी ए मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी इंटू साइन 30 डिग्री मतलब 1/2। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी को आप लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ बी इंटू टाइम टी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टाइम टी इंटू 1/2, टी से टी चला गया। दिस इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए बाय 2, यानी 5 मीटर्स पर सेकंड। तो बी की वेलोसिटी कितनी है, बी की मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी है 5 मीटर्स पर सेकंड। ये मिनिमम क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज वी हैव मूव्ड अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, हम किसी और रास्ते से भी जाकर इस लाइन तक पहुंच सकते थे, इसलिए बी की जो मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी है वो है 5 मीटर्स पर सेकंड। वैसे इसको सॉल्व करने का एक तरीका और था कि अगर हम चाहते हैं कि ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा 30 डिग्री का एंगल बनाए वेलोसिटी ऑफ ए से, मतलब इस लाइन से वो हमेशा 30 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, मतलब ये जो लाइन है ए के रेस्पेक्ट में बी की जो वेलोसिटी है हमेशा इसी लाइन पर रहनी चाहिए। तो अगर मैं ए के रेफरेंस फ्रेम से देखूं तो बी मस्ट मूव अलोंग दिस डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन फ्रॉम ए मस्ट बी अलोंग दिस डायरेक्शन। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन फ्रॉम ए शुड हैव नो परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द लाइन ए बी। ए और बी की जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका कोई भी कंपोनेंट ए बी लाइन के परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, तभी ये हमेशा 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब कि आपका जो भी वेलोसिटी ऑफ बी है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैज टू बी इक्वल टू ए की वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। दैट मींस अगर मैं इसको बोल दूं वी बी परपेंडिकुलर, तो क्या लिख सकते हैं, वी बी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू वी ए साइन 30 डिग्री, क्योंकि हमें इस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट निकालना है जो लाइन ए बी के परपेंडिकुलर है।
दिस इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो अगर वेलोसिटी ऑफ वी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बी हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकेंड। ये आपका आंसर है। आप इसको रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व कर सकते हैं और आप इसको नॉर्मल एनालिसिस से सॉल्व कर सकते हैं पार्टिकल की पोजीशंस वगैरह देख के। दोनों ही तरीके परफेक्टली गुड हैं, आप दोनों तरीके जाने ये बेहतर होगा।